फिजिकल में क्या क्या होता है, कितने का बैच बनता है, चेस्ट हाइट क्या लेता है, तो सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको नीचे। पिछला जो भर्ती हुआ है उसका मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं क्या क्या कब हुआ है, कब चेस्ट होता है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि अग्निवीर का रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों अंबाला एआरओ के लिए गुड न्यूज आया है कि उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 4 से 5 दिन लग सकता है रिजल्ट आने में। मेरे को लगता है कि 20 या 25 के बीच इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब पूरा एआरओ का मतलब ऑल इंडिया के एआरओ का आप लोग बात करेंगे तो इस महीने के लास्ट तक सभी एआरओ के रिजल्ट आ जाएंगे। दूसरा है कि आप लोग कट ऑफ बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो कुछ पता नहीं चलता। जितना भी चैनल पे बताया जा रहा है सब स्टूडेंट को गुमराह कर जा रहा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरा है, मैंने एक पोल डाले थे जिसमें कि लगा देंगे आपको स्क्रीन पर, 33 से 35 क्वेश्चन 31% स्टूडेंट ने किया है, मतलब 33 से 35 क्वेश्चन के बीच 31% स्टूडेंट ने सही किया है। दूसरा है 45 से 47% किया है, 44%, मतलब 44% स्टूडेंट 45 से 47 क्वेश्चन किया है। 45 से 47 वाला तो रिजल्ट हो ही जाएगा। बाकी रहा कि आप लोग को कुछ डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछें। और फिजिकल के लिए जिस स्टूडेंट का 30 से प्लस क्वेश्चन सही होगा वही स्टूडेंट फिजिकल करें, अन्यथा और रुक जाएं एक हफ्ते तक, रिजल्ट प्रॉपर आने दें तभी आप फिजिकल में जाएं, ताकि आपको ज़्यादा मन लगेगा फिजिकल के लिए। दोस्तों आप लोग को लगता है फिजिकल में क्या क्या होता है, कितने का बैच बनता है, चेस्ट हाइट क्या लेता है, तो सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको नीचे। जितना भी एआरओ है करीब जहां जहां गए हैं मैं, सबका प्लेलिस्ट है, आप लोग उसे जाकर देखें किस तरह का फिजिकल होता है। और रिजल्ट जो है प्रॉपर आपको इस महीने के लास्ट तक सारे एआरओ का रिजल्ट आ जाएंगे, आप लोग उसमें टेंशन ना लें। फिजिकल का तैयारी आप जब करने जाएं तो हमें लगता है कि 30 से प्लस क्वेश्चन जिसका सही होगा वही फिजिकल का तैयारी करें, अन्यथा फिर कोई फायदा नहीं होगा। रिजल्ट आने दें, उसके बाद समय मिलेगा, लगभग 20 से 25 दिन का समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, आप उसमें तैयारी कर लें। साथियों ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं ये गया एआरओ वाले स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज निकल करके आया है, जो कि गया एआरओ का भर्ती है वो बोध गया में ही होगा। स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो ग्राउंड है वहाँ 25 जून से 5 जुलाई तक 25 जून से होगी अग्निवीर की भर्ती, जिसमें 11 जिले के युवा भाग लेंगे। वहाँ पे 25 जून से 5 जुलाई तक भर्ती होगा, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कि 11 जिले के स्टूडेंट ने भाग लिया था और करीब 11,000 ही फॉर्म भरा गया था। अभ्यर्थी को दौरे में मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। सेना के अधिकारी ने डीएम से रैली के दौरान ग्राउंड में साफ सफाई तथा ग्राउंड को समतल करवाने के लिए बालू एवं जेसीबी उपलब्ध कराने की अपील की। डीएम ने बताया कि गर्मी को लेकर ध्यान रखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल निर्माण कराया जाएगा। तो ये सारे कुछ व्यवस्था वहाँ पे पिछला साल भी मैंने कवरेज किए थे और सारे कुछ बहुत अच्छा से पुख्ता इंतजाम भी किया गया था, और मैं इस पे डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या हो रहा है। तो आप लोग मेहनत करें ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, और फिर मैं मिलते हूँ ग्राउंड में लाइव के साथ रिपोर्टिंग करते हुए, और कोई तरह का डाउट होगा तो हमसे ज़रूर पूछें। पिछला जो भर्ती हुआ है उसका मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं क्या क्या कब हुआ है, कब चेस्ट होता है, कितने का बैच बन रहा है, सारे कुछ उसमें कवरेज किया गया है। तो बात रहा रिजल्ट का दोस्तों, तो सारे यार का रिजल्ट तैयार हो गया है, वेबसाइट पर आने के लिए का वेट है, बाकी बात वेबसाइट पे आ ही जाएगा, आर्मी का जो वेबसाइट है उस पर आ ही जाएगा।